सो है गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं स्नाइपर चैलेंज, और हमारे साथ खेल रहे हैं हत्यारा भाई, पहाड़ी भाई और 150 देगा भाई। तो गाइस, अगर ये स्नाइपर चैलेंज सक्सेस होता है तो हमारा ये 150 देगा भाई, हम सभी को 150 रुपये देगा। तो चलो देखते हैं हम सक्सेस कर पाते हैं कि नहीं। और गाइस, यहाँ पर सभी के सभी बंदे जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्नाइपर चला लेते हैं। हमारा पहाड़ी भाई जो है बहुत ही डेंजर स्नाइपर चलाता है भाई, क्या ही बताओ। इसीलिए इसने नाम भी पहाड़ी रखा है, क्योंकि भाई इसका पहाड़ी का फैन है ये बंदा। तो गाइस, इसमें हमने रूल्स क्या क्या रखा है वो मैं आपको बता दूँ। तो गाइस, रूल्स कुछ ऐसा है, हमारा स्टार्टिंग के 3 राउंड तो इसमें हम कोई भी गन यूज़ नहीं कर सकते, बस ये फ्री का गन जो है USP उसको यूज़ करेंगे, उसके सिवाय कुछ भी गन यूज़ नहीं करेंगे। जैसे ही 3 राउंड खत्म होता है उसके बाद हम स्नाइपर से मारने की कोशिश करेंगे और गाइस ये चैलेंज सक्सेस करने की कोशिश करेंगे। चलो गाइस, देखते हैं हमारा ये चैलेंज सक्सेस हो पाता है कि नहीं। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पहली बार है, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पास वाले बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। इससे क्या होगा, हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप हमारी वीडियो देख पाओगे। गाइस, ऐसे ही चैलेंजिंग वीडियो हम लेकर आते रहेंगे, इंटरेस्टिंग वीडियो। तो गाइस, इससे पहले ऐसा चैलेंज किसी ने नहीं किया होगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक चैलेंज नहीं तीन तीन चैलेंज कर रहे हैं। गाइस, यहाँ पर हम एडम कैरेक्टर के साथ खेल रहे हैं, ओनली USP चला रहे हैं, उसके बाद 3 राउंड तक हारेंगे और उसके बाद हम स्नाइपर चलाएंगे। तो गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चैलेंज होने वाला है। तो गाइस, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ऐसे ही चैलेंजिंग वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो गाइस, आजकल वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है, क्योंकि उसका रीज़न यही कि आप लोगों को पता ही है कि मैं एडिटिंग वीडियो भी डालता हूँ, तो एडिटिंग वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसीलिए ये लेट हो रहा है। तो गाइस, सपोर्ट करते रहना, हम कंटिन्यू मतलब रेगुलर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक बंदा आ गया, इसको मैंने 110 का हेडशॉट मार दिया, लेकिन बंदा मरा नहीं और हमारा पहाड़ी भाई जो है नॉक हो गया भाई। कतई स्नाइपर किंग नॉक हो गया भाई, ये कतई शर्म की बात है, इसको तो भाई क्या बताओ। ये बंदा काफ़ी ज़्यादा नूबड़ा है, इसको कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं। और यहाँ पर मैंने एक बंदे को हेडशॉट मार दिया और यहाँ आके मैं मेडिकिट लेने लग गया। तो गाइस, ये राउंड भी हमको हारना ही है, क्योंकि भाई ये राउंड जीत गया तो हमारा चैलेंज सक्सेस नहीं होगा। तो चलो देखते हैं क्या होता है। इसीलिए यहाँ पर इस बंदे को मारा, इसको भी 77 का हेड लगा भाई, काफ़ी ज़्यादा शानदार हेड लग रहा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। हमको मारना तो नहीं है, हमको बस हारना है, उसके बाद स्नाइपर उठाना है और तबाही मचाना है। तो चलो देखते क्या होता है। यहाँ पर हत्यारा भाई नॉक हो चुका है और हमारा 150 देगा भाई यहाँ पर है। 150 देगा भाई ने इमोट दिखाया, ऊपर डायरेक्ट ऊपर पहुँच गए। चलो गाइस, ये राउंड भी हम हार चुके हैं, तो आगे अगला राउंड आ चुका है। जैसे ही ये राउंड हम हारे उसके बाद हम स्नाइपर उठाएंगे और तबाही मचाएंगे। तो गाइस, आप लोगों को पता नहीं तो मैं बता दूँ, हमारा पहाड़ी भाई जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्नाइपर चलाता है, मुझको भाई कतई खतरनाक वे में इसने धोया था स्नाइपर वर्सेस स्नाइपर में। तो यहाँ पर ये लास्ट राउंड है हमारे लिए, मतलब लास्ट राउंड तो नहीं है, ये राउंड हारेंगे उसके बाद स्नाइपर से हम तबाही मचाएंगे। तो चलो देखते हैं अभी क्या होता है। इसी ने यहाँ पर मैं नॉक हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा इमोट दिखा देता हूँ। मज़ा आए भाई, इमोट दिखाने मतलब वो बंदा भी कंफ्यूज हो गया भाई, इमोट दिखा रहा है ये बंदे को, मार रहा हूँ ये बंदा इमोट दिखा रहा है, सिम कांड ही लौंडा है। तो चलो, इसने हेडशॉट के साथ मुझे खत्म कर दिया। इन दोनों को देखो भाई, 150 देगा और पहाड़ी को, पहाड़ी को ये 150 देगा भाई। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सीन कर रहे हैं ये लोग, ऊपर चढ़ के इमोट दिखा रहे हैं, दोनों बंदे खतरनाक सीन कर रहे हैं अभी। तो चलो देखते हैं इन लोगों को कौन मार पाता है भाई, किसी को पता भी चलेगा कि नहीं चलेगा ये दोनों यहाँ पर है भाई। आप रे भाई, कते पैसे के गड्डी लेकर आया हमारे 150 देगा भाई। मैंने बोला था भाई, स्टार्टिंग में ही बोला था भाई, जैसे ही ये मैच कंप्लीट होता है ये 150 देगा, हम सभी को 150 रुपये देगा, क्योंकि आप लोगों ने एग्जांपल देख लिया, इतना बड़ा पैसे का फैक्ट्री है इसका। और यहाँ पर थोड़ा सा मेरा लैग भी हो रहा है और भाई डर भी लग रहा है ये चैलेंज सक्सेस हो पाया कि नहीं। तो कोई नहीं गाइस, चलो देखते हैं, अगर मैं नहीं मारूंगा तो ये हमारा खतरनाक प्लेयर भाई लोग है, ये लोग मार देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। और भाई इसने काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से उन लोगों को घुमाया और फिर भी मर गए। तो यहाँ पर आ चुका है हमारा स्नाइपर राउंड। तो चलो यहाँ पर स्नाइपर उठाते हैं और तबाही मचाएंगे। तो चलो भाई, यहाँ पर मैंने ले लिया स्नाइपर वेस्ट, हेलमेट सब कुछ ले लिया और ग्लूवाल भी ले लेते हैं। अभी डबल स्नाइपर नहीं चलाएंगे, तो भाई डबल स्नाइपर का पैसा है तो डबल स्नाइपर क्यों नहीं चलाएंगे भाई। डबल स्नाइपर मैंने ले लिया, सभी बंदे के पास डबल स्नाइपर है, लेकिन ये 150 देगा भाई कतई खत्म खतरनाक बंदा है भाई। इसने स्नाइपर नहीं लिया, दूसरा गन ले लिया, तभी इसको सभी लोग गाली दे रहे हैं भाई, जल्दी गन चेंज करो, जल्दी गन चेंज करो, तभी ये बंदा गन चेंज करेगा। तो यहाँ पर मैं ऊपर आ चुका हूँ डबल स्नाइपर लेके, अभी मेरे हाथ से कौन मरता है चलो देखते हैं। बंदा तो हम मुझे अभी तक दिखा नहीं, और यहाँ पर एक बंदी लड़की को भाई डायरेक्ट नॉक, 300 का डैमेज दिया और भाई बंदी ख़त्म ही नहीं हो रही भाई। कदे अनलिमिटेड हेल्थ लेकर आई है क्या, बंदी ख़त्म ही नहीं हो। यहाँ पर एक बंदी को मैंने नॉक किया, फिर से उसको 300 का डैमेज दिया, फिर उस बंदे को 150 का डैमेज दिया, कोई फ़ायदा नहीं। एक बंदा नॉक कर, इस बंदे को भी 150 का दिया और भाई बंदा निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई। स्कोप करके बैठा हुआ और निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। और गाइस, एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कोई भी एबिलिटी नहीं लगा है, हमारा लोड़ा कैरेक्टर जो है उसका भी एबिलिटी नहीं लगा है,
बिना एबिलिटी का हम लोग खेल रहे भाई, ये सीन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि अगर एबिलिटी नहीं है तो स्नाइपर चलाने में थोड़ा बहुत परेशानी भी हो ही जाता है, आप लोगों को पता है, क्योंकि भाई पूरा एक्यूरेट मिलाना पड़ता है, उसके बाद ही मारना पड़ता है, ऐसे रैंडमली इधर उधर गोली चला दो तो लगेगा नहीं भाई, पूरा मिलना चाहिए। तो चलो यहाँ पर ये बंदा हत्यारा भाई नीचे जा चुका है और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर मेरे साथ कांड हो गया भाई, क्या बताओ यार, यहाँ पर थोड़ा बहुत गोली पड़ गया, इसको मैंने 150 दिया, ये बंदा नीचे चला गया, लेकिन उधर से एक बंदे ने मुझे मार दिया भाई, ये गलत सीन हो गया। यहाँ पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मुझे लगा वो बंदा जो जिसको मैंने, आप लोगों को पता है स्टार्टिंग मैंने इसको 150 मारा था, तो मुझे लगा ये बंदा जो है ऊपर आया नहीं, क्योंकि यहाँ पर हत्यारा भाई था, और भाई यहाँ पर गलत सीन हो गया, हत्यारा भाई नीचे चले गए और मैं ऊपर ही फंस गया, और ये बंदे मतलब ये खतरनाक बंदे ने मुझे मार दिया भाई, कतई मुझे मेरे मुंह में अभी 150-150 आ रहा है भाई, क्या बताऊँ। तो चलो यहाँ पर मैं ख़त्म हो चुका हूँ और यहाँ पर दूसरा राउंड शुरू हो चुका है, हाँ दूसरा राउंड शुरू हो चुका है, और मैं किधर, यही हूँ मैं भाई, मुझे लगा मैं मर गया, चलो कोई नहीं यार क्या सीन हो रहा है भाई, मेरा ध्यान ही हट गया था थोड़ा सा, चलो कोई नहीं। और यहाँ से ये बंदा आ गया, 150 को कतई धो रहा है, और भाई 150 ने नॉक कर दिया, इसको हेडशॉट मारूंगा, रुको सारा सिनकांडी भाई, ये बंदा जो काफ़ी ज़्यादा प्रो बंदा है, सबसे पहले आगे यही आएगा और कोई नहीं आएगा, सबसे पहले यही आ जाएगा। तो चलो यहाँ पर मैंने तो नहीं मारा, उस बंदे ने मार दिया, अभी तक मेरा 0 किल है, मतलब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में यही बोल दिया था, हमारा प्लेयर जो है सभी के सभी खतरनाक प्लेयर है, और इस बंदे को मैंने नॉक कर दिया, और ये लोग भाई किल करने देंगे कि नहीं देंगे वो भी पता नहीं, बस एक किल तो हमारा हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बंदे को मैंने मारा और इसको भी 150 दिया, और भाई ये किल हमारा नहीं हुआ। तो चलो कोई नहीं, हमारा पहाड़ी भाई ने ले लिया उसका किल। तो यहाँ पर सेकेंड राउंड शुरू हो चुका है, ये राउंड में चलो देखते क्या होता है भाई, चैलेंज करते ही सक्सेस कर देंगे हम, क्योंकि हमारे टीम जो है सभी के सभी स्नाइपर किंग है। तो गाइस अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और गाइस कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और गाइस मैं जो एडिटिंग का वीडियो डालता हूँ आप लोग कमेंट ही नहीं करते, गाइस कमेंट करके बताया करो भाई आप एडिटिंग अच्छा कर लेते हो बुरा कर लेते हो, ऐसा बोला करो। और यहाँ पर देख रहे हो मेरा थोड़ा बहुत लैग हो रहा है, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही लैग हो रहा है, पिंग हाई हो रहा है, और यहाँ पर ये बंदा अचानक से मुझे दिख गया और मैंने इसको मार दिया, और भाई क्या सीन हो गया, देखो लैग भी जैसे ही हटा मैंने उसको एक शॉट मारा, और दूसरा गोली जैसे ही मारा वो बंदूक निकालने ही वाला था, मैंने उसको नॉक कर दिया भाई, ये सीन बहुत खतरनाक हो गया। चलो देखते हैं आगे क्या होता है, और यहाँ पर हमारे टीम मतलब एक बंदा हमारा हत्यारा भाई ख़त्म हो चुका है, और इस बंदे को मैंने 150 मारा, और उन लोगों के पास भी 3 बंदे हैं, एक बंदा तो नॉक है, तो चलो वो बंदा तो ख़त्म कर ही लेंगे ये लोग। और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ भाई, ये बंदा निकलने मतलब ये बंदा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है भाई, भाई मैं जैसे ही निकलता हूँ मुझे मार लेता है ये, और वो मैं निकलता है मैं मार ही नहीं पाता, क्या सीन हो गया भाई, चलो देखते हैं इसको मार पाएंगे ही नहीं भाई, हाथ तो दिखा रहा है, और जैसे ही गोली छूटता है वो बंदा मुझे डैमेज दे देता है, और मेरा जोन भी साथ नहीं दे रहा है भाई, कहते यार जोन भी पीछे पड़ गया है, जोन की वजह से मैं थोड़ा बहुत मारा हूँ। और यहाँ पर मेरे पास इनहेलर है, इनहेलर ले लेता हूँ भाई, रिवाइव हो जाऊँगा, क्योंकि भाई रिवाइव नहीं होता स्नाइपर मेरे 2 स्नाइपर चले जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर 3 राउंड भी हम जीत चुके हैं, तो गाइस ये लास्ट राउंड है, यहाँ पर चलो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मैंने वीडियो कुछ ज़्यादा ही कट कर दिया, क्योंकि बंदे लोग भाई कतई छुप रहे थे, इन लोगों को डर लग गया भाई क्या होने वाला है पता नहीं। और यहाँ पर मेरा नेटवर्क देख रहे हो +99 में चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सीन हो रहा है मेरे साथ। तो यहाँ पर 150 रुपये देगा भाई, पीछे आ गया, इस बंदे को मैंने दिया एक गोली, और ये बंदा नॉक भाई, कतई खतरनाक मतलब ये शॉटगन चला रहा था, मैं स्नाइपर चला रहा भाई, कतई खतरनाक बैटल हुआ हम दोनों के बीच, तो फिर भी मैंने उस बंदे को मार दिया। तो गाइस अभी फिर से मेरा देखो +99 का पिंग चल रहा है, क्या करें भाई समझ ही नहीं रहा आ रहा है, इतना अच्छा चैलेंजिंग वीडियो जा रहा था, मेरा मतलब दूसरा बनाने का मन ही नहीं किया, यही बनाने का मन था। तो फिर मैंने सोचा चलो भाई इसको ही बना दे, फिर देखो मैंने एक शॉट मारा, लेकिन उसको लग ही नहीं रहा है भाई, +99 का पिंग आ रहा है, 200-300 ऐसा पिंग आ रहा है। चलो कोई नहीं गाइस, हमारा चैलेंज वैसे भी सक्सेस हो गया, जैसा कि मैंने बोला था हमारा टीम जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, तो हमारा चैलेंज सक्सेस हो गया। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, हम बहुत जल्द दूसरे एडिटिंग वीडियो लेकर आएंगे, गाइस वेट करते रहो। तो गाइस चलो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।